बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। मैथ्स ग्रेड 7, टॉपिक हमारा 2.2, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट, इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। किसी भी रैशनल नंबर को, दो या दो से ज़्यादा भी रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, उनको हम कैसे ऐड करेंगे और कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम उस रैशनल नंबर को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन निकालेंगे। तो डायरेक्ट चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है 2.2, इसमें हम सारा पढ़ लेंगे कैसे हम इसको ऐड करेंगे और कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर ए आपके पास 3/4 एंड 4/5, आपने इसको सॉल्व करना है। 3/4 और 4/5 का क्वेश्चन एक्सरसाइज आपके पास 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है आपके पास 3/4 एंड 4/5। ठीक है, आपने इन दोनों रैशनल नंबर्स को क्या करना है? ऐड। ठीक है, इन दोनों रैशनल नंबर्स को क्या करना है? ऐड। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, ठीक है? तो 3/4 के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हम कौन सा लेंगे और 4/5 के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कौन सा लेंगे? तो आप देख लें, ये है 3/4 और ये दूसरा रैशनल नंबर है 4/5। तो आप इसमें डिनोमिनेटर देख सकते हैं, क्या है? 4 और 5। तो आप 4 और 5 का एलसीएम ले लें रफ वर्क में, 4 और 5 का। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 5 as it is, 2 1 ज़ा 2, 5 as it is, 5 1 ज़ा 5। तो ये एलसीएम में आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, क्या एलसीएम आ जाएगा? 20। आपने इनके डिनोमिनेटर्स को क्या बनाना है? 20। ठीक है, इनके डिनोमिनेटर्स को क्या बनाना है? 20। तो आप देख सकते हैं 3/4 है। अब 4 को कौन से टेबल के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 20 बनते हैं? 4 5 ज़ा 20। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बन जाता है? 20। तो इसको भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा? 5 3 ज़ा 15। जो काम हम नीचे करते हैं वही ऊपर भी, 4 5 ज़ा 20। इसी तरह 4/5 है तो 4 और 5 डिनोमिनेटर को देखें, डिनोमिनेटर को हमने इसको चेंज करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, ठीक है? तो आप देख सकते हैं ये 5, इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। तो हमें एलसीएम में क्या चाहिए? 20। तो 5 को कौन से टेबल से मल्टीप्लाई करूँ तो 20 बनता है? 4 से। 5 4 ज़ा 20, जो काम नीचे कर रही वही ऊपर करना है, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा 14, 4 4 ज़ा 16 और 5 4 ज़ा 20। ठीक है, आप ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में चेंज हो गए हैं तो आप इसमें लिख लें 15/20 प्लस 16/20। ठीक है, अब आप ये डिनोमिनेटर 20 और 20 सेम है, 20 एक बार लिख लें और 15 और 16 को ऐड कर लें। तो जब आप 15 और 16 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 31/20। तो ये आपका क्या है? आंसर। इस तरह आपको ज़्यादा इजी लगेगा जब आप इसके डिनोमिनेटर्स आप सेम कर लेंगे, इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करके। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर एच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एच लिख लेते हैं 9/11 प्लस माइनस 3/22 प्लस 5/33। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन लिख लें, ठीक है, 9/11 प्लस माइनस 3/22 प्लस 5/33। अब 9/11, 3/22, 5/33 इनको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में चेंज करना है, ठीक है, विथ सेम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर सेम रखने हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं क्या है? 11, 22 और 33। तो इनके डिनोमिनेटर्स कैसे सेम होंगे? पहले हम 11, 22 और 33 का क्या ले लेते हैं? एलसीएम। तो 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं, छोटे टेबल से स्टार्ट करना होता है एलसीएम। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2,
ये 33 सेम, फिर 3 का टेबल ले लेते हैं, 3 वन ज़ा 3, 3 वन ज़ा 3, फिर 11 का टेबल ले लेते हैं। जब हम इनका एलसीएम लिखेंगे तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ा 6, 6 11 ज़ा 66, तो इनके डिनोमिनेटर्स को भी क्या बनाना है, 66। इन तीनों के डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं, ठीक है, 66। तो आप देख सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट 9/11 है, तो ये कैसे 66 बनेगा, जब मैं 9 और 11 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, इनके डिनोमिनेटर्स को 66 बनाना है, तो 11 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 6 से, तो 11 6 आ क्या आ जाएगा, 66। जो काम नीचे करना है वही ऊपर भी करना है, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना, 9 6 आ 54। नेक्स्ट आपके पास है 3/22, तो इसको भी आपने माइनस भी साइन मेंशन करने साथ, तो इसमें भी आपने डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। 22 को कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो 66 बनेगा, 22 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो काम नीचे कर रहे हैं वही ऊपर भी कर दें, तो ये आ जाएगा -9/66। नेक्स्ट आपके पास है 5/33, तो इसमें भी आपने क्या करना है, 5/33 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 66 बने 2, जो काम नीचे कर रहे हैं वही ऊपर भी कर दें, यह आ जाएगा 10/66। अब ये इक्विलेंट रैशनल नंबर में चेंज हो गए, 9/11 किसके इक्विलेंट है, 54/66 के, -3/22 इसके इक्विलेंट है, और ये इसके। अब इन तीनों को सेम जैसे हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है वैसे ही हमने इधर लिखना है, 54/66 सेम, फिर प्लस साइन, ठीक है, ये -9/66 और नेक्स्ट प्लस साइन 10/66, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस ब्रैकेट को खोल लेना है, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और ये वैल्यूज सेम। अब आप देख सकते हैं इन तीनों के डिनोमिनेटर्स क्या हैं, सेम, इन तीनों के डिनोमिनेटर्स क्या हैं, सेम, 66 66 66। जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको डिनोमिनेटर्स को एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। तो जब आप ये इसी साइड पे हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, 66 को हम तीनों सेम है, 66 66 66, इसको वन टाइम लिख लिया तो ऊपर क्या है, 54 -9 +10, ये सेम वैल्यूज़ हमने 54 -9 +10 इधर लिख ली। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 54 और 10 ऐड करेंगे, 54 में 10 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 माइनस कर लें पहले, तो 54 में से 9 माइनस करते हैं तो 45 रह जाएगा, 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54, क्या रह जाएगा, 45 में फिर बाद में 10 प्लस कर देंगे, तो 45 में 10 प्लस करें तो कितना आता है, 55/66। अब नेक्स्ट इनकी कटिंग हो रही है 11 के टेबल से, आप कटिंग कर सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 11 5 ज़ा 55 11 6 ज़ा 66, डिवाइड किए 11 के टेबल से, तो ये 5/6 आपका आंसर है, ठीक है। बाकी जो इसके पार्ट हैं वो आपके होमवर्क में हैं, आपने खुद करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, इसमें हमने क्या निकालना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो आप देख लें क्वेश्चन नंबर ए में लिखा हुआ है 1/2 from 3/5, तो इसमें फ्रॉम आ गया है, तो फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू बड़ी होती है जो कि हमने पहले लिखनी है, और ये फ्रॉम के जो पहले है ये बाद में लिखनी है। तो आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ए है आपके पास 1/2 from 3/5, क्या है क्वेश्चन नंबर ए आपके पास है 3/5, ठीक है। आपने पहले लिखना है फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू और माइनस साइन डालने, सब्ट्रैक्ट करना और 1/2 बाद में लिखना है, 3/5 -1/2। तो आप इसका अभी सोल्यूशन करना है, ठीक है। सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं 3/5 -1/2, तो इसको भी इक्विलेंट रैशनल नंबर में चेंज करते हैं, तो 5 और 2 डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लें, तो क्या आ जाएगा, 2 वन ज़ा 2 5 वन ज़ा 5, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10। तो यहाँ पे इसको, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10, इसके डिनोमिनेटर को हमने 10 बनाना है, तो ये 3/5 है, तो 3/5 लिखना है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बनेगा, 2 और 2 से, जो काम ऊपर कर रहे हैं वही नीचे भी करना है, 6 और 10 आ जाएगा। इसी तरह 1/2
इसको भी इक्विवेलेंट में चेंज करना है तो ये इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में तब जाके 10 बनेगा. 5 2 10, 5 1 5, तो ये क्या आ गया 6/10 और 5/10. तो पहले हम क्या लिखेंगे, 6/10 माइनस 5/1/2 को किया तो क्या है 5/10. हमने अपनी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यूज लिखनी है. 3/5 का क्या है 6/10 माइनस 1/2 का क्या है 5/10. नेक्स्ट हमने सॉल्व करना है आगे, 10 और 10 सेम है, 10 एक बार लिख लेना है, 6 माइनस 5, तो 6 माइनस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/10. ये है इसका आंसर. सबसे पहले हमें इसे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में चेंज करना होता है, उनके डिनोमिनेटर्स को सेम बना के जस्ट हमने प्लस और माइनस करना है. बाकी जो इसके पार्ट हैं वो आपने होमवर्क में करना है, ठीक है. नेक्स्ट ये इसका आप देख लें पार्ट ई. पार्ट ई में हमने करना है, यह पार्ट ई आपके पास, ठीक है. अब फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू हमने क्या लिखनी है पहले, ठीक है. तो -1/3 को हमने पहले लिखना है, सब्ट्रैक्ट करना है, फिर फ्रॉम के जो पहले वाली है ये हमने इधर लिखनी है. ये नेगेटिव में इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिख लें. ये आप सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस 7/11. आप इसको पहले इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में चेंज करेंगे, 11 और 3 कैल्शियम ले लेते हैं, 11 और 3 का तो क्या आ जाएगा 3 1 3 11, 11 1 11. तो एलसीएम क्या आ जाएगा 3 × 11 33. इसको 33 में चेंज करना है, -1/3, ठीक है. डिनोमिनेटर को हमने क्या बनाना है 33, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 33 बनेगा 11 से, और इसको भी हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे. जो काम नीचे करना है वही ऊपर, तो ये आ जाएगा -11/33. इसी तरह -7/11 को हमने चेंज करना है 33 में डिनोमिनेटर को, तो इसको 3 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 21/33. जब आप इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने वैल्यूज़ लिखनी है. तो पहले आपके ये -1/3 था, जो कि आपके पास क्या है -11/33. यहाँ पे पुट कर ले, मिड में कौन सा साइन है माइनस, और ये जब आप इसको ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, ये प्लस 7/11 को जब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में चेंज किया तो क्या है कि 21/33. आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर सेम है, 33 और 33 एक बार लिख लें, ठीक है. ये आ जाएगा -11 + 21, तो ये प्लस माइनस माइनस 21 में से 11 माइनस करें तो कितना आ जाता है 10, और बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन डालें या ना डालेंगे 10/33 आपका आंसर है, ठीक है. ये क्वेश्चन नंबर ई का सलूशन था आपके पास. नाउ जो बाकी इसके रिमेनिंग पार्ट हैं वो आपने खुद करने हैं, आपके होमवर्क में है फीमानिल्ला.